नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दोस्तों, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार ईवीएम से होने वाले चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है, एक तरफ जहां ईवीएम पर घोटाले के आरोप लगाए जाते हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां मांग करती नजर आ रही हैं कि विपक्ष यहां पर ईवीएम से जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उससे सहमत नहीं है, यानी कि आगामी वक्त में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। ऐसे में पिछले दिनों चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए, उन चुनाव में धांधलेबाजी के आरोप लगे। इन आरोपों के ऊपर आम आदमी पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव में धांधली देखी गई वो वाकई निंदनीय घटना है और ऐसे में लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है, यानी कि आने वाले वक्त में इससे सबक लेना होगा। ऐसे में बीजेपी पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो तमाम आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं सच साबित होते नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम की एक वीडियो भी वायरल हुई है, उस वायरल वीडियो में प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगातार जो है एक के बाद एक करके जो चुनावों में मत डाले गए थे उनको रद्द करने के लिए खुद के पेन से और डॉट के निशान लगाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि कुछ ऐसे जो है मत डाले गए जिनके ऊपर कुछ निशान बने थे और उनको देखते हुए यहाँ पर उन मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी संगठन चुनाव में जो है हार जाती है। ऐसे में दोनों के बीच जो तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है, उसके बाद किरण खेर के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और अब दोनों पार्टियां यहां से मिलकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करती नजर आती हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के साजिश को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि चंडीगढ़ में जो हुआ है वो सरेआम लोकतंत्र की हत्या है और ऐसे में आने वाले वक्त में ये जाल पूरे देश में फैलता हुआ नजर आने वाला है। अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले पर जो गंभीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है या फिर आगामी चुनाव में भी ऐसी ही धांधली के आरोप लगते नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।